नमस्कार दोस्तों, आपका देसी गाय जिंदगी चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को देखने के लिए। ये वीडियो स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब, आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले सारे वीडियो बैंकिंग CRRB या कोई भी एग्जाम से आपको वीडियो मिलेंगे प्रॉपरली। अच्छा, आपको सबसे पहला अगर ई बुक चाहिए हिंदी में 10 पेज से 12 पेज तक बैंकिंग के लिए, SSC या किसी भी एग्जाम के लिए, आप इस वीडियो को कमेंट में करिए और अपनी बाय मेल आपको ये ई बुक हिंदी में भेज दीजिए। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बैंक प्रदान करती है किस टाइप की सर्विसेज, बैंक किस टाइप की सर्विस आपको देती है। तो इसमें पहला है प्रत्यक्ष सेवाएं डायरेक्ट, दूसरा है वित्तीय फाइनेंशियल सेवा, तीसरा वित्तीय सेवाएं केंद्रीय सेवाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की या कोई अदर किसी अदर टाइप की सर्विस ये देती है। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होता है फाइनेंशियल, आपको वो फाइनेंशियल वित्तीय सेवाएं देती है। और आपका भारतीय रिजर्व बैंक, आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये बैंकिंग एग्जाम का। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ये बहुत जरूरी है जो आपसे पूछे जाते हैं। पहला है 19 नवंबर 1947, 15 जनवरी 1950, 1st January 1949, 31st March 1947। 19 मार्च 1947 में और 15 जनवरी 1 जनवरी 31st March को कब हुआ था। इसका सही आंसर है कि ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा प्रश्न है जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स होते हैं। और अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों से सबसे ज्यादा लाइट में है वो है बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का पूर्ण रूप क्या होता है। बैंकिंग जगत में KYC मतलब क्या होता है, आपको KYC का मतलब क्या है, जैसे KYC का फुल फॉर्म होता है लाइक नो योर कस्टमर, नो योर कैपेबिलिटी, अपडेट योर अकाउंट डिटेल, अपडेट योर अकाउंट डिटेल। तो इसमें जो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि ये जो सारे आपको क्वेश्चन में यहाँ पे प्रश्न बताऊंगा ये बहुत सारे बैंक्स के एग्जाम हो चुके हैं, उसमें से बहुत ही सोर्स से मैंने कट कर लिए जो आपको गिने चुने प्रश्न दे रहा हूँ। बाकी ई बुक के लिए आप मुझे ईमेल कीजिए कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी लिखिए, हम आपको सारे बताएंगे। चलते हैं प्रश्न, बैंकिंग जगत में प्रयुक्त KYC का फॉर्म रूप क्या है। नो योर कस्टमर, नो योर कैपेबिलिटी, अपडेट योर अकाउंट डिटेल एंड अपडेट अबाउट यू। इसका सही आंसर ये है, नो योर कस्टमर। राष्ट्र सावधि और आवर्ती जमाएं क्या है, सावधि और आवर्ती जमाएं क्या है, आपको पता होगा सेविंग एंड करेंट जमाएं सेविंग्स जो होते हैं क्या है। इसका सावधि जमाएं क्या है, इस सावधि और आवर्ती जमाएं प्रतिदेय नहीं है, समत अवधि के प्रतिदेय है, मांग क्या प्रतिदेय है, आपकी जरूरत के हिसाब से जमाकर्ता की मृत्यु के बाद प्रतिदेय है। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, सावधि और आवर्ती जमाएं प्रतिदेय नहीं होती है, इससे इनका कोई संबंध नहीं है। समस्त अवधि आपकी लिमिट पूरी होने पे 2 साल 5 साल 10 साल ऐसा कुछ नहीं है, मांग के प्रति आपको जरूरत हुई तो आप ले नहीं सकते, ऐसा थोड़ी है कभी जमा करता है मतलब आप दे दिए तो मरने के बाद ही नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पर पहुँचता है, अर्थात ये सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना टाइम लेता है, 3 मिनट 9 मिनट 7 मिनट 8 मिनट। तो आपको बताना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कितने टाइम में आपके पास सूर्य की किरण पहुंच जाती है।
और इसका सही सही आंसर जो है वो है 8 मिनट। 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश आपके पास तक पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने बैंकिंग नियमों का उल्लंघन के लेकर कितने बैंकों पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया। अभी ये न्यूज पेपर में भी आया था कुछ दिन पहले, बैंकों ने कौन से ऐसे रूल ब्रेक कर दिए जिसके लिए आरबीआई ने उन्हें 5-5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और कितनों बैंकों पर लगाया है। तो आपको ये सारे जो प्रश्न है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। इसका सही आंसर है 4 बैंकों के ऊपर लगाया गया है। अगला है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन समय पर घर जाने की छूट देने की नई योजना या पहल शुरू की। समय एक दिन, वैसे तो बैंक आपको पता ही होता था, ये बैंकों ने कुछ और शुरू किया, SBI, IDBI, इलाहाबाद एंड ICICI। अच्छा, सबसे पहले प्राइवेट बैंक को हम हटाते हैं क्योंकि प्राइवेट बैंक तो कौन दे सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं SBI और इलाहाबाद बैंक, तो इसमें राइट आंसर है SBI। SBI ही ऐसा एक बैंक है जो अभी जल्द में एक नोटिफिकेशन दिया है कि आप एक दिन समय पर घर जाने की छूट देने की नई पहल शुरू कर दी कि आप टाइम से घर जा सकते हो। वैसे लोग रुकते तो पाए नहीं है, बट एनीवे दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको हमेशा अपडेटेड पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट, हमने ये डेटा और कुछ और जगहों से कलेक्शन किया, इस डेटा में थोड़ा सा हमारा जो सहयोग दिया है वो उन्होंने दिया है, GK Hindi.in, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप इन पर जाके अपने सारे क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, ये हिंदी में उपलब्ध होते हैं, आप इस पर जाके पढ़ भी सकते हो। अगला थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, आप बैंक प्रदान करती है वित्तीय सेवाएं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1947 को हुआ। बैंकिंग जगत में KYC का पूर्ण रूप होता है नो कस्टमर। सावधि आवर्ती जमाएं क्या होती है, सावधि आवर्ती में किसी का प्रतिदेय नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में हमारे पास पहुंचता है। RBI ने 5-5 करोड़ का जो जुर्माना 4 बैंकों के ऊपर लगाया था। अच्छा, SBI ने एक नई कर्मचारी को पहल नोटिफिकेशन दिया कि समय पर आप घर जा सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए देसी गाइज इंडिया, और आप अपडेटेड वीडियोस भी पाते रहेंगे। आप इसमें कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दीजिए, हम आपको हर एग्जाम से रिलेटेड ई बुक भेज दिया करेंगे आपकी ईमेल आईडी पे, और आपको कोई भी प्रश्न हो आप हमसे जरूर पूछिए। दोस्तों ये है हमारा चैनल देसी गाइज इंडिया, आप चाहिए इसको यूट्यूब पर सर्च कीजिए, इस नाम से आपको मिलेगा ऐसा आइकॉन, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और आप इसे प्रॉपरली हमेशा अपडेटेड वीडियो पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका लव।